खबर आ रही है मथुरा से, जहां बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर से हुआ है शर्मसार। शिक्षिका ने साथ के ही शिक्षक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध तोड़ने का लगाया आरोप। मथुरा का बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर से शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है। विभाग की ही एक शिक्षिका ने साथी शिक्षक पर बहला फुसला कर पहले प्रेम संबंध बनाने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। शिक्षिका का आरोप है कि शिक्षक राया ब्लॉक पर तैनात है और कई शिक्षिकाओं को बहला फुसला कर उनका शारीरिक शोषण कर चुका है। शिक्षिका का कहना है कि अब उसका फायदा उठाने के बाद शिक्षक उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। शिक्षिका ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। इसके साथ ही शिक्षिका पूरे मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास भी पहुंची। उनका शोषण किया जाता है, मैं भी इसका शिकार हुई हूं और मैं अपने पति से सेपरेट रहती हूं और पारिवारिक विवाद डाइवोर्स के मैटर चल रहे थे, तो उन्होंने सारी जानकारी प्राप्त की और सहानुभूति जता के दोस्ती का नाता जोड़ के सिंपैथी दे के उसके बाद उन्होंने मुझे अपना लव प्रपोज़ल दिया, शादी के लिए प्रपोज़ल दिए, फ्यूचर लाइफ लॉन्ग मृत्यु तक शमशान तक साथ देने के दिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाई और फिर संपर्क ख़त्म कर लिया और पकड़ में नहीं आए, पूरे विभाग में बदनामियाँ करा दी। और जब उनसे बहुत मुश्किल से विभिन्न शिक्षक साथियों के माध्यम से बात की तो पारिवारिक दबाव का बहाना बता दिया। मेरी बदनामी लगातार करते रहे, विभाग में बहुत मेंटल टॉर्चर सहन करना पड़ा और जब मैंने खुद से छानबीन की तो पता चला वो पहले से ही शिक्षिकाओं के संग ऐसा करते हैं, मुझसे पहले दो शिक्षिकाओं के संग ऐसा कर चुके हैं, लेकिन वो अनमैरिड थी, कोई ट्रांसफ़र करा के चली गई, किसी ने शादी कहीं और कर ली। अपनी बदनामी के डर से उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ आगे किसी को जाँच वगैरह को नहीं बढ़ाया। जब मुझे सारी बात मालूम हुई तब मैंने आगे और जाँच की, इनकी माता जी से संपर्क किया, उनके भाई से संपर्क किया, उन लोगों ने कहा कि मुझसे बात करेंगे, लेकिन अपने लड़के की कमी जानने की